आज क्या हो गया इन सभी लोगों को? आज एकदम से गायब हो गए क्या? कल देखा ना गाइस, ये एपिसोड में आप लोगों ने कैरी से अब तो मेरा रिश्ता टूट ही रखा है। गाइस कैरी का रिश्ता, कैरी के पापा अब तभी मानेंगे नहीं, अब शायद पता नहीं माने या नहीं माने, भाई रिश्ता पूरा जुड़ गया था सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकलिन भैया की शक्ल देख करके उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया मेरे को। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन भैया, माइकल भैया, ट्रेवर भैया से रिश्ता टूट रखा है मेरे को। तो गाइस उन लोगों ने अप्रूव कर दिया था, लेकिन यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं कैरी के बिना नहीं जी पा रहा, नहीं रह पा रहा। और गाइस यार अब देखो आप लोग, मेरे को मुझे लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हो कि भाई बहुत ज़रूरी होता है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन गाइज नहीं, मेरी तो खोपड़ी आज खराब हो रखी है तो हो ही रखी है। ये रहे माइकल भैया, माइकल भैया से बचते बचाते निकलता हूँ। हिमावारी पिंचन चौप और ये ब्रूनो किधर हैं? एक सेकेंड यार देखता हूँ मैं। अरे वो उधर क्या कर रहे हैं? अच्छा वो लोग उधर हैं, चलो कोई नहीं, अब इन लोगों से बचते बचाते निकल लेता हूँ मैं चुपके से। फ्रैंकलिन भैया भी अभी सो ही रहे हैं शायद से, तो इनसे मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, है ना। अभी देखो अभी यार मैं नहीं रह पा रहा भाई, मेरे को पता है भाई, मेरे को इतनी घुटन हो रही है। अरे अरे कौन है? अरे ड्राइवर भैया यहाँ पे, तो गाड़ी भी चलो इधर खड़ी हुई है। साइलेंटली गाड़ी को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से अच्छी तरीके से, और इनको पता भी नहीं चलेगा। यार हद होती है यार, आज मैं कुछ भी करता हूँ, आज यार मैं एक बार कोशिश करता हूँ यार कैरी की झलक देखने के लिए। कैरी ने तो मुझे ब्लॉक ही मार दिया भाई, बुरी तरीके से ब्लॉक मारा नहीं है उसे, ब्लॉक मरवाया गया है, और सिर्फ फ्रैंकलिन की भैया की वजह से। अगर फ्रैंकलिन भैया आज मेरे भैया नहीं होते तो कैरी से तो मेरी शादी हो ही जाती ना गाइज, है ना, हो जाती ना। देखो गाइज अगर फ्रैंकलिन भैया भैया नहीं होते, शादी हो जाती मेरी कैरी से, और मैं कैरी के साथ कितनी अच्छी तरीके से रह रहा होता और कैरी के साथ घूमने गया होता। मैंने प्लान भी बनाया था कि हम लोग जाएंगे दूसरी कंट्री, कनाडा घूम के आएंगे ये सब, लेकिन नहीं यार फ्रैंकलिन भैया की वजह से सब कुछ चौपट हो गया। अच्छा होता यार फ्रैंकलिन भैया अगर मेरे भाई नहीं होते तो। अरे यार लेकिन इस बेवकूफ को यह नहीं पता, अगर फ्रैंकलिन इसका भाई नहीं होता तो ये अभी भी डर डर के थोकड़े खा रहा होता, क्योंकि इसको तो सड़क से उठाया गया था फ्रैंकलिन ने। जब ये गरीब लाचार बेकार बेसहारा था तब इसको फ्रैंकलिन ने घर पे उठा के लेकर के आया था, लेकिन शिनचैन सब कुछ भूल गया है। और फ्रैंकलिन अगर शिनचैन अगर स्कूल ही नहीं जाता फ्रैंकलिन वैसे तो कैरी से मुलाकात भी नहीं होती। ये शिनचैन बिल्कुल ही बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इसकी। और तो दोस्तों स्वागत है एक और रही ये इन प्ले वीडियो में गाइस यार पीएस गेमस्टर के। लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा दुखी मन हो रखा है, रात भर सोया न्यू सोया इसलिए न्यू, क्योंकि यार शिनचैन की वही बातें याद आ रही है। ये यार शिनचैन को मैंने सड़क से उठाया था, मतलब यार शिनचैन का कोई भी नहीं था उस टाइम, मैंने इसको अपना भैया बनाया, कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया ये शिनचैन मेरा सौतेला भाई है या फिर सगा भाई नहीं है। लेकिन गाइस शिनचैन ने यार ये चीज़ मुझे महसूस करवा दी, अगर यार मैं शिनचैन को अगर वहाँ से उठा करके नहीं लाता तो गाइस ये तो मर गया होता तड़प तड़प के, या तो भाई इसको फिर ये गलत आदतों में पड़ जाता। आज मैंने इसको अच्छी लाइफ दी, सब कुछ दिया जो इसने मांगा वो दिया, इसको नौकरी दी, इसको सब कुछ मिला मेरी वजह से। लेकिन आज मैंने इस चीज़ को कभी गिनाया नहीं, लेकिन आज शिनचैन ने मेरा दिल तोड़ दिया। फ्रैंकलिन मैं भी यही सोच रहा था यार कि शिनचैन ऐसा स्वार्थी कैसे हो सकता है यार, तूने उसके लिए इतना कुछ किया, इवन हम लोगों ने भी इतना कुछ किया है, लेकिन यार वो सब कुछ भूल गया उस लड़की के चक्कर में। माइकल भाई वही बात होती है ना, प्यार में यार लड़का आवारा बंदा सब कुछ हो जाता है, और लड़की तो अपना देखो ब्लॉक मार के बैठी हुई है और क्या। तो कहाँ पर है ये शिनचैन? पड़ा होगा इधर ही यार। हिमावारी पिंचन तो मैंने इधर देखे हैं, चौप ब्रूनो भी इधर ही हैं। ओए शिनचैन, वो पिंचन हिमावारी। हाँ फ्रैंकलिन भैया। अरे वो शिनचैन किधर है? हाँ वो तो अपने रूम में सो रहे थे जब हम छोड़ के गए। अच्छा तो सो ही रहा होगा अपना इसमें, है ना, सोने देते इसको। एक सेकेंड, रूम में कहाँ है? क्या वो फ्रैंकलिन? यार ये शिनचैन तो रूम में है ही नहीं। फ्रैंकलिन रूम में नहीं है, देख इधर ही कहीं होगा। अरे देखता हूँ एक सेकंड यार, इधर भी नहीं है रूम में, वॉशरूम में नहीं, वॉशरूम में भी नहीं है। अरे तो किधर क्या हो गई है? अबे भाई फिर कहाँ निकल गया? फिर इसकी बत्तीमीजी चालू हो गई क्या? अरे फ्रैंकलिन आता हूँ मैं भी यार। हाँ जल्दी यूनिफॉर्म। क्या हो गया फ्रैंकलिन? मैं शिनचैन को नीचे आते हुए देखा? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। लामार तूने? अरे नहीं, एक वो गाना है ना, साडी गली अज सानू जान वाली है तेनु हुक्का मारदा फेरा। ओहो अरे ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? अरे अरे कौन रो रहा है ये? अरे ये तो कैरी की आवाज है। अरे अरे कैरी कैरी बेटा तुम रो क्यों रही हो? कैरी बेटा तुम रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हुआ है कैरी, क्यों रो रही हो तुम? पापा मुझे शिनचैन की याद आ रही है। बेटा तुम वो जो डिप्रेशन में गई थी वो शिनचैन की वजह से गई थी क्या?
हाँ पापा, क्योंकि शिनचैन स्कूल नहीं आता था इसलिए मैं स्कूल भी नहीं जाती थी। अच्छा, वो शिनचैन स्कूल बेटा, लेकिन तुम्हें पता है ना, वो मेरे दुश्मन का बेटा है, वो भाई है। पापा पापा, पर बेटा ऐसा करो, तुम्हारा रोना मुझे देखा नहीं जा रहा, तुम्हारा एक एक आंसू मेरे लिए कीमती है, तुम शिनचैन को स्पेशली घर पे बुलाओ। पापा पर मतलब? तुम स्पेशली घर पे बुलाओ, मैं शिनचैन के सामने कुछ शर्तें रखना चाहता हूँ, शिनचैन को अगर मंजूर होगी तो फिर ये रिश्ता हम आगे करवा सकते हैं। ठीक है पापा, मैं बुलाती हूँ शिनचैन को। फ्रैंकलिन नहीं देखा? अरे भाई नहीं देखा तो एक सेकंड। अरे सुनो फ्रैंकलिन सर, अरे भाई शिनचैन को आते हुए देखा क्या इधर? नहीं सर, हमने नहीं देखा, मैं तो एडिट कर रहा था। शिनचैन इधर नहीं आया, इधर भी वॉशरूम में नहीं है। गैस किधर गया फिर शिनचैन? एक सेकंड यार, हिमावरी पिंचन? नहीं हमने भी नहीं देखे, तो कहाँ पे चले गए? रुक जाए एक सेकंड, इसकी गाड़ी खड़ी है क्या इधर बाहर? एक सेकंड यार, ओ इसकी तो गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई है। गाइस गया फिर ये कहीं ना कहीं, आज ये फिर गया है, आज पता नहीं ये किधर गया है। गाइस मुझे लग रहा है किसी दिन ना ये किसी दिन ये डगन बॉस के घर अगर चले गया और किसी दिन वहाँ से इसको मार पड़ी ना गाइस, उस दिन ये भागे चले आएगा। और यार ये पता नहीं यार, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है यार, ये हो क्या रहा है यार। अरे बाबा सब तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ है फ्रैंकलिन, वो देख हम उसकी तरह नहीं है, वो बहुत बेकार है भाई, हम नहीं है उसकी तरह। अच्छा हाँ भाई चुप्पो, वैसे तुम लोग तो उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो भाई, तुम लोग बहुत ही सही हो बाबा सब, वही बात तो है। चल भाई जल्दी से चलते हैं, फिर देखते हैं गया तो गया किधर होगा। हाँ भाई हाँ, देखते हैं भाई गया किधर होगा, नहीं तो फिर हम लोग अपना घूमने चलते हैं भाई, उसका क्या ही देखना हम लोगों को, है ना बाबा तब। और नहीं तो क्या, एक बार पुलिस स्टेशन में पता कर लेंगे थोड़ी देर बाद कि वो उधर आया ही नहीं आया। हाँ भाई हाँ, और क्या करेंगे, आ जाओ हिमावरी पिंचन शिंचन, सॉरी शिंचन तो है ही नहीं यार, आदत पड़ गई है ना नाम बोलने की, अब है ही नहीं वो। माइकल भाई ट्रैवल भाई, और फ्रेंकली बस 2 मिनट रुक जाओ। हाँ गाड़ी निकालता हूँ मैं, चलो यार स्कॉर्पियो तो ये खड़ी है, कोई निकालता हूँ मैं। वाह मुझे लगता है पापा मान गए, अरे 2 आंसू के बाद हो मेरे पापा तो पिघल जाते हैं, वो तो शुक्र है मेरे भैया और मेरी मम्मी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो ये चक्कर नहीं होने देते। पापा मैं बुलाती हूँ अभी शिनचैन को, वैसे थैंक यू सो मच आपने शिनचैन को घर पे बुलाया। हाँ याद रहे, लेकिन शिनचैन अकेला आना चाहिए। ठीक है पापा मैं शिनचैन को बुलाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, कॉल करो जल्दी से शिनचैन पे और तुम जल्दी से उससे बात करो और उसे घर पे बुलाओ, है ना। ये बाप बेटी का तो कुछ अलग ही पंगा चल रहा है, पता नहीं क्या किस्सा चल रहा है, क्या करने वाले हैं ये लोग, पक्का फ्रैंकलिन के परिवार को तोड़ेंगे। गाइज ये कैरी का घर भी तो बहुत दूर पड़ता है यार, अब यार मैं उसे चुपचाप से मिलने जा रहा हूँ भाई, चुपके चुपके से। एक सेकंड, ये किसकी कॉल आ रही है? अरे यार ये फ्रैंकलिन यही सब लोग कर रहे होंगे यार, मैं इरिटेट हो गया, मेरे को अब इनकी कॉल नहीं उठा रही है, सदा के लिए इनके साथ रहूँगा क्या यार, ये थोड़ी ना चीज़ें होती हैं। अरे यार खामा खामा इनकी कॉल उठाऊँ, लेकिन यार देखता हूँ यार किसकी आ रही है। उठ, ये तो कैरी की है। अरे अरे हेलो हेलो कैरी कैरी, अरे कैरी कैसी हो तुम, कहाँ पर हो कैरी? अरे 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 शिनचैन मेरे पास सुनो। कैरी क्या हुआ तुम्हें? शिनचैन तुम मेरे घर आ सकते हो? क्यों क्या हुआ? मेरे पापा ने तुम्हें बुलाया है। पर तुम्हारे पापा तो गुस्सा है ना? नहीं सिर्फ तुम्हें बुलाया है, तुम्हें मंजूर है तो आ जाओ। ठीक है मैं आता हूँ 2 मिनट में आता हूँ। गाइस कैरी के पापा ने मुझे घर पे बुलाया है, मैं जाता हूँ जल्दी से। आ जा पिंचर बैठ जा। अरे हाँ फ्रैंकली भैया मैं बैठ गया, फ्रैंकली चलो फिर। हाँ भाई हाँ, ओके सो गाइस काफ़ी दिनों बाद स्कॉर्पियो क्लासिक निकाली है अपन लोगों ने भाई। यार शिनचैन ने बोला था कि यार कि स्कॉर्पियो क्लासिक चलाया करो, आज स्कॉर्पियो क्लासिक चला रहे हैं लेकिन शिनचैन के साथ नहीं। ऐसा लग रहा है यार फैमिली में से एक मेंबर कम हो गया है। फ्रैंकलिन तू उसकी चिंता क्यों कर रहा है जब उसे हमारी फिक्र नहीं है? तो यार है तो हमारा छोटा भाई ना यार, हमने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, हमारा एक छोटा भाई है, घर का मेंबर है, मेन मेंबर है। अब यार ऐसा थोड़ी होता है ना यार, अब भूला थोड़ी जाएगा यार उसे, लेकिन उसने तो यार हम लोगों को एक तरीके से त्याग ही दिया है। अरे फ्रैंकलिन यार अब तू याद मत कर, ज़्यादा याद करेगा उतना ही तू परेशान होगा। अरे यार नहीं यार माइकल भैया, फ्रैंकलिन भैया की ना ज़्यादा दिल पर चोट लगी है, क्योंकि फ्रैंकलिन भैया ने हम लोगों को सारी खुशी दी थी। अरे वाह मेरी लगता है भगवान ने सुन ली, मज़ा आ जाएगा गाइज। अब कैरी के घर जा रहा हूँ मैं, बाकी आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे लिए बेस्ट विशेष दो। कैरी के पापा ने खुद मुझे घर पे बुलाया है, किस लिए बुलाया है कुछ नहीं पता भाई मुझे, लेकिन गाइज मुझे बस घर पे बुलाया वही बड़ी बात है, नहीं तो इस फ्रैंकलिन भैया की वजह से तो मेरा पूरा रिश्ता ही टूट गया था। मुझे लग रहा है कैरी ना बहुत उदास हुई होगी ये उदासपना देख करके ना, कैरी के पापा ने यार मेरे को घर पे बुलाया है, और सिर्फ मैं ही बुलाया ना, कोई नहीं मैं खुद जाऊंगा, ये फ्रैंकलिन भैया ने तो दिमाग खराब करके रखा है, इनकी वजह से मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाता। अब देखो यार अब मेरा रिश्ता भी जुड़ जाएगा, चलो 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 जल्दी से चलते हैं।
थी। और क्या यार, तुम लोगों का भी कोई परिवार नहीं था, फ्रैंकलिन का भी कोई परिवार नहीं था, तो यार फ्रैंकलिन तुम लोगों के साथ मिल गया। अब देखो यार, फ्रैंकलिन के साथ ऐसा होएगा, परिवार का हिस्सा कोई जाएगा तो उसे बहुत अजीब तो लगेगा ही ना। वही माइकल भाई, आप सभी लोग मेरे भाई बहन हैं यार। अब यार कोई ऐसा होगा, शिनचैन मेरे बेटे की तरह है, लेकिन अब बेटा नहीं है, लेकिन यार छोटा भाई है मेरा। और गाइस यार, वो ऐसे चले गया छोड़ करके तो भाई बहुत तो बुरा लगेगा ही ना। आप लोग खुद ही समझो यार, कितने उसके भाई पे क्या बीत रही है। लेकिन उसे कोई फिकर है, पता नहीं कहाँ जा रखा है अपना मौज काटने के लिए। कैरी कैरी कैरी, पता नहीं किस मुसीबत की घड़ी में मैं इस कैरी को घर। फाइनली गाइज, मैं कैरी के घर आ चुका हूँ। कैरी के घर का दरवाज़ा खुल पाएगा या नहीं खुलेगा? लास्ट टाइम खुला था, लेकिन यार जब बंद होने के टाइम पे ना ड्रामे कर रहा था, क्योंकि गाइज लड़ाई हो गई थी। अरे वाह, गेट तो खुला हुआ है मेरे लिए। गाइज गेट खुला है, बहुत अच्छी चीज़ है। अरे अरे अरे, किस साइड है कैरी? कैरी शिनचैन इधर आ जाओ, फ्रंट पे आता हूँ मैं 2 मिनट में। अरे यार मैं आता हूँ जल्दी से, इधर से तो कोई रास्ता ही नहीं है। चलो भाई जल्दी से चलता हूँ, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कैरी से मिलने की। अरे वाह 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 वाह, चलो यहाँ पे जल्दी से चलता हूँ। अरे यार इस एक्साइटमेंट में ये गाड़ी ठुक रही है। ये गाड़ी भी पता नहीं क्या है। अरे यार शादी हो जाएगी तो ये गाड़ी वाड़ी तो यार मैं दूसरी ये चेंज कर दूंगा। ये फ्रैंकली भैया की दी हुई कोई चीज़ नहीं रखने वाला मैं। चलो भाई चलो जल्दी से, मैं पहुँच गया हूँ गाइस कैरी के घर पे। कैरी के घर पे देखता हूँ मैं, उसके पापा ने बोला। अरे ये सीढ़ियाँ यहाँ पे कैसी हो गई हैं? घर लेकर के आया, गलती मेरी है माइकल भाई। फ्रैंकलिन गलती तो हाँ यार, ये बात की गलती तेरी है, तू क्यों लेकर के आया उसके पीछे? यार मैं तो मस्ती करने के लिए लाया था, लेकिन ये कैरी सर पे चढ़ के बवाल मचाएगी भाई यार, ये थोड़ी सोचा था। अब ये शिनचैन पूरा बावला हो गया है। हाँ यार, अगर कैरी घर पे आती नहीं ना तो सही रहता। हाँ यार हिमावारी, मेरी गलती हो गई कि मैं कैरी को घर पर ले आया, जिस चक्कर में यार ये शिनचैन बावला हो गया। ये तो भूला पड़ा था, अच्छा खासा फैमिली में था। नहीं तो क्या यार फ्रैंकलिन भैया, आप आज सब अब क्या ही कर सकते हैं? अब होली को तो कोई नहीं टाल सकता भाई, पुरानी बातें भूल जाओ यार, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते ना उस चीज़ का। नहीं कर सकते, चौपर तो सही कह रहा है। बाकी गाइस आप लोग बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, गाइस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नमस्ते अंकल जी। अरे शिनचैन तुम आ गए? अरे हाँ अंकल जी नमस्ते। हेलो कैरी, कैरी तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया? शिनचैन अभी मैं वो बाद में बता दूंगी तुम्हें, मेरे पापा को तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ अंकल जी बोलिए। बेटा तुम्हारी मेरी बेटी को तुम बहुत पसंद हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और कैरी की शादी करवा दी जाए। हाँ अंकल, हाँ मतलब पापा जी, थैंक यू सो मच। अरे हाँ अंकल, थैंक यू सो मच। आप मान कैसे गए? मुझे लगा आप मानोगे नहीं वो फ्रैंकलिन भाई की वजह से। बेटा फ्रैंकलिन तुम्हारा सगा भाई है क्या? नहीं सगे भाई तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। बेटा ऐसे तो बहुत लोग कर देते हैं, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारा सगा भाई तो वो है नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से सारी प्रॉपर्टी दूंगा अपनी, ठीक है? तुम्हें धन दौलत सब कुछ दूंगा, तुम्हें नौकरी ये जो कर रहे हो ना टुच्ची मुच्ची पुलिस की, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम्हें एक शर्त है, तुम्हें कैरी मिल जाएगी और धन दौलत मेरी तरफ से मिल जाएगी, सब कुछ है, लेकिन एक शर्त है तुम्हें। क्या शर्त है? तुम्हें हमारे घर में रहना होगा। मतलब? हाँ तुम्हें हमारे घर में रहना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अपना परिवार छोड़ करके इस घर में आना होगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने भाई बहन को भी ला सकते हो, जो कि सगे भाई बहन है। सगे भाई बहन मतलब हिमावारी पिनचैन, जो तुम्हारे सगे भाई बहन है, तुम उनको ला सकते हो। लेकिन तुम फ्रैंकलिन को नहीं ला सकते, उससे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, कैरी से रिश्ता जोड़ना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। मगर पापा ऐसी भयानक शर्त कौन रखता है? हाँ अंकल जी ये बात तो नहीं। बेटा तुम सोच के बता दो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे लिए। यार ये क्या शर्त रख दी मेरे सामने, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन में डाल दिया। सगे भाई बहन, वो भाई बहन, अरे मैं करूँ तो करूँ क्या? गाइस मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। ओ भाई साहब, डगन हरामखोर ने क्या दिमाग में भर दिया शिनचैन के। सगे और सौतेले का भाई ये किस्सा चलने लग गया, और क्या दिमाग में भरा इस डगन ने। डगन जैसा है हरामी व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। गाइस आप लोग भी देख रहे हो ना डगन ने कितनी बड़ी हरामगर्दी करी है। ऐसे व्यक्ति को तो आप जितनी कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हो उतनी गाली भर के दो इसको। ये फ्रैंकलिन का पूरा परिवार तोड़ना चाहता है, और शिनचैन के दिमाग में सगे सौतेले भाई भाई का ये किस्सा ले आया है। अब देखना गाइस क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोग बस कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखते चले जाना। लॉस सेंटोस में ही पेट्रोल महंगा हो गया है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है फ्रैंकलिन। अरे हाँ यार, वैसे यार हम लोग कितनी नॉर्मल और बढ़िया लाइफ जीते हैं ना यार। लेकिन ऐसी नॉर्मल और बढ़िया लाइफ जीनी भी किस्मत वालों की होती है ना। लेकिन यार बच्चा बोर हो गया है। कौन बच्चा? अरे शिनचैन बोर हो गया है, तभी तो उसे नई लाइफ चाहिए, इसलिए कैरी के पीछे भग रहा है। अरे यार माइकल भाई, बार बार शिनचैन की बातें मत लाओ यार, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ों की, ये सब सुन करके कि यार शिनचैन हमें छोड़ने को तैयार हो रखा है। अरे यार जाने दे फ्रैंकलिन, हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं, ठोकर खाएगा आ जाएगा। हाँ यार और क्या ही कर सकते हैं।
बाकी आप सभी लोग गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो करना गाइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अरे हाँ गाइस यार, देखा ना क्या चक्कर चल रहा है लॉस सैंटोस में, मतलब हम लोगों के साथ, मतलब फ्रैंकली भाई के साथ, जो कि हमारे प्यारे से भैया हैं। हाँ हाँ प्यारे से भैया हैं, और क्या है भाई। एक सेकंड, ये किसकी कॉल आ रही है भाई, पिंचन के पास आ रही है क्या? हाँ फ्रैंकली भैया, ये जो शिंचन भैया की है। हेलो शिंचन भैया। अरे अरे पिंचन और हिमाबारी मेरी बात सुनो, तुम लोग मेरे को जल्दी से उधर मिल लो अपने घर पे, मेरे को तुमसे बात करनी है, और उन फ्रैंकलिन भैया ये सबको भी बुला लेना। अच्छा बेटा, इन सबको बुला लेना, क्या मतलब है इसका? और हिमावारी और पिंचन, अरे अरे फ्रैंकलिन पता नहीं क्या दिमाग में भर गया इसके, पता नहीं, और ये घर की तरफ क्यों बुला रहा है। अरे गाइस क्या करने वाला है ये भाई, मुझे तो लग रहा है इसकी ना बदतमीजी बिल्कुल चालू हो गई, और ये टॉप नॉच। अगर गाइस शिंचन ने घर पे हमें बुलाया है, पक्का कोई ना कोई अब नया फैसला होने वाला है घर पे, कुछ ना कुछ ये करके आया है, और मुझे तो लग रहा है ये कैरी के घर पे आया है, वहाँ से कुछ चीज़ें सुन कर के आया है, और वहाँ पे अब हमें बताएगा। गाइस आप लोग मुझे करेक्ट करना कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है तो यही हो सकता है। फ्रैंकलिन तुझे क्या लग रहा है? मुझे भी यही चीज़ लग रही है। अब यार चल यार हम लोग घर पहुँचते हैं, देखते हैं ये क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, और क्या इसे मुझे लग रहा है कि आज ही फैसला करना है। चलो भाई हम लोग भी कहीं नहीं जाते, हम लोग भी घर की तरफ निकलते हैं। और क्या यार फैसला कर रहा है तो बेटा ठीक है, फिर तू फैसला कर, हम लोग भी तेरे फैसले के लिए तैयार हैं, हम लोग भी कोई पीछे नहीं बैठे हुए हैं। अरे ओ लेकिन हम तो आपके साथ ही रहेंगे, जो भी हो जाए नौटंकी मत करना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब यार शिंचन क्या है, शिंचन का क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है भाई, रख दी होगी भाई डगन बॉस ने कोई ना कोई शर्त, क्योंकि मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है भाई, लड़की का बाप ऐसे ही करता है, एंड में जब उसको लड़के का परिवार पसंद नहीं आता तो वो लड़के को ऐसी ऐसी शर्त दे देता है कि लड़का हो जाता है पागल। अब यार शिंचन है लड़की के चक्कर में पागल, ठीक है। अब यार माइकल भाई अगर उसने कुछ भी हरकतें करता है ना फ्रैंकली, वो तो यार अब देखते हैं ना। एक सेकंड ये पीछे कौन आ रहा है? अरे यार पीछे यार इसने मेरी गाड़ी घुटोगी तुमने। अरे कौन है बे, गाड़ी घुटोगी मेरी? अरे क्या कर लेगा फिर, मैं उतर के बताऊं क्या? अच्छा तू कौन है बे, तेरे को पता है मैं कौन हूँ? अरे गोली चलाने का क्या मतलब थी? तो तूने मेरे से हरकतें करने क्या मतलब थे? ओके सो फाइनली गाइस फिर हम लोग घर की तरफ ही चलते हैं माइकल भाई। अरे घर की तरफ ही तो जा रहे हैं। हाँ यार ओके सो गाइस, अरे अरे रॉन्ग साइड क्यों ले लिया? अरे यार मेरा भी दिमाग चल रहा है बिल्कुल ही। हटो यार रास्ते से, हट जा यार भाई, मैं नहीं हटने वाला। डिपर मार के साइड हो जा भाई बेवकूफ इंसान। यार गाइस अब तो लॉस सैंटोस में यार ये शिंचन का तो ज़्यादा ही पंगा फंस गया है। अब यार शिंचन पंगा तू कर या कुछ भी कर भाई, अब हमारी भी मन से उठ गया है शिंचन यार। भाई बहुत ज़्यादा रोना सा आ रहा है गाइस यार। अरे अरे ऑडियंस फ्रैंकलिन को बोलो फ्रैंकलिन स्ट्रॉन्ग रहे, ऐसे कमज़ोर ना रहे, फ्रैंकलिन गलत कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब लोग गलत करेंगे। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ है भाई, शिंचन ही तो है गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई नहीं है, भटक के आएगा वापस इधर ही, नहीं आएगा माइकल भाई, वो वापस नहीं आने वाला। अरे फ्रैंकलिन तू इतना क्यों कमज़ोर हो रहा है, मेरे एक्सपीरियंस से देख वो भटक करके वापस आएगा। यार नहीं यार वो नहीं आएगा। अब आज से भी कलुए का बहुत ज़्यादा दिल टूट गया, देख लिया हिमावारी पिंचन, देख यार हमारा भाई यार तुम्हारे भाई को कितना प्यार करता है यार। भाई तुम्हारा भाई चौपो ये क्या बात होती है भाई, हम सब भाई हैं, लेकिन यार अब यार ये भेदभाव बहुत गलत है यार, भाई 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 का बाप आता, वही तो मैं कह रहा हूँ यार। अब देख, अरे हम लोग समझ रहे हैं कि फ्रैंकली भैया कितना प्यार करते हैं, लेकिन शिंचन भैया को समझ नहीं आ रही, तो अब उसका हम क्या करें? हाँ यार इनकी क्या गलती है भाई, ये क्या करें यार उस चीज़ का, ये शिंचन को अगर कुछ समझ नहीं आ रही है तो बिल्कुल ही गवारों की तरह पागल हो रखा है बिल्कुल ही। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, हम भी देख लेते हैं है ना। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख दो, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना गाइस, नेक्स्ट पार्ट ही लिख दो कमेंट बॉक्स में।